नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे तलाक की रेखा देखें अपने हाथों में। दोस्तों, हमारे वैवाहिक जीवन, हमारा प्रेम संबंध, हमारे मधुर संबंध कैसे बिगड़ जाता है और वो रूप लेता है तलाक का, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है और ये वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है। यह हमारी मस्तिष्क रेखा, हम किसी बात को कितनी गहराइयों तक लेके जाते हैं, हमारे विचार कितना सफलतापूर्वक काम कर रहा है उसके बारे में बताती है। क्या हमारी हृदय रेखा, हम किसी के साथ कितना अटैचमेंट है, हमारा प्यार कितना है उसके बारे में बताती है। सबसे पहले हमने विवाह की बात की है, तलाक की बात की है। आपके विचारों में मतभेद होता है और वो मतभेद कैसे तलाक का कारण बनता है, वो रेखा कौन सी है। सबसे पहले हमारी ये जो विवाह रेखा है, विवाह रेखा, अगर विवाह की रेखा एक हमारी बुध की पर्वत की तरफ मुड़ जाती है, ऐसे लोगों को जो होता है विवाह होता ही नहीं है, अविवाहित रहते हैं। इसी के साथ एक और लक्षण देखते हैं, ये विवाह रेखा, विवाह रेखा से हमारे बुध पर्वत के क्षेत्र से एक रेखा इस रेखा को काट दे, ऐसे लोगों को विवाह में कई प्रकार की तकलीफें आती हैं, कई प्रकार के लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। इसी के साथ एक और साइन देखते हैं, जैसे कि ये हमारी विवाह रेखा है, विवाह रेखा में दीप बन जाए, ये दीप बन जाता है और अंत में दो मुखी हो जाए, ये दो मुखी हो जाती है, तो ये दुखद वैवाहिक जीवन को दर्शा रही है, आपके प्रेम संबंध को खराब कर रही है, आपकी मैरिज लाइफ खराब चल रही है, आपके और आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, मतभेद का कारण बन रहा है। इसी के साथ एक और साइन देखते हैं, जैसे कि ये हमारी विवाह रेखा, ये विवाह रेखा टूट टूट जाए, दो खंडों में बट जाए, ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन का जो बंधन है टूट जाता है। इसी के साथ एक साइन और देखते हैं, ये हमारी विवाह की रेखा, विवाह रेखा टूट मुड़कर नीचे की तरफ झूलती हुई हाथ के हमारे इस हृदय रेखा तक पहुंच जाती है और वहां पर पहुंचकर दो साखी हो जाती है, दो साखी हो जाती है, ये दो साखी बन जाती है और उसको काटती है। ये न्यायिक रूप से अलग रहने की प्रक्रिया बताती है, पति और पत्नी के बीच में मतभेद को बताती है, उनके विचारों में भिन्नता आ जाती है, एक दूसरे से अलग रहना शुरू कर देते हैं और यही कारण है कि जो तलाक का नौ बताती है। अब इसी के साथ एक और साइन देखते हैं, जैसे ये विवाह रेखा है, विवाह रेखा के एक पैरल में रेखा चलती हुई, ये पैरल में रेखा चलती हुई एक अलग से प्रेम संबंध के बारे में दर्शा रही है कि मैरिज के साथ एक अलग प्रेम संबंध है आपका। इसी के साथ एक साइन और देखते हैं, जैसे कि आपकी ये विवाह रेखा हृदय रेखा को क्रॉस किया,
हृदय रेखा को काटा, आपके मन की प्रक्रिया को बदला, आपकी सोच बदला, आपका दिल बदला, आपका दिल बदला। डिसाइड किया आपने कि मेरे को इस मैरिज से, मेरे को इस विवाह से अलग होना है। दिल आपका जवाब दे रहा है। अब वो डिसीजन कौन लेगा? आपका मन लेगा। ये हृदय रेखा को काट दिया, माफ करना, इसने मस्तिष्क रेखा को काट दिया। आपके मन ने जवाब दे दिया कि हमने इस मैरिज लाइफ से अलग होना है। ऐसे लोगों का विवाह जो होता है वो तलाक का रूप ले लेता है। अब इसी के साथ एक और साइन देखते हैं। ये हमारी भाग रेखा, भाग रेखा में एक दीप बन जाता है और इस दीप एक हमारे इस जिसको हम बोलते हैं निम्न का मंगल, मंगल के क्षेत्र से एक प्रभाव रेखा इस रेखा को काट दे, ये भी संबंध को बिगाड़ देती है और संबंध को ख़त्म करने का काम करती है ये रेखा। अब इसी के साथ एक साइन और देखते हैं, ये जीवन रेखा। जीवन रेखा के साथ एक हमारे शुक्र की प्रभाव रेखा, ये ऊर्ध्वमुखी रेखा है, माफ करना, ऊर्ध्वमुखी रेखा को एक शुक्र की पर्वत से एक इस रेखा को काट दे, इस रेखा को काट दे और वहीं पर रुक जाए, तो ऐसे लोगों का तलाक होने का संकेत देती है। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।